हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि धान की फसल में सल्फर का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है सल्फर का प्रयोग। अगर आप सल्फर का प्रयोग करें तो कौन सी खाद में करना चाहिए और कौन सी खाद में नहीं करना चाहिए। और एक चीज किसान भाइयों और है कि अगर आप 80% WG फॉर्म वाली सल्फर का प्रयोग करें तब आपको कितनी डोज रखना है, अगर आप 90% WG फॉर्म की सल्फर का प्रयोग करें तो आपको कितनी डोज रखना है। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है कि धान की फसल में सल्फर का क्यों जरूरी है प्रयोग करना है और क्या इसकी सही डोज है। तो आज की इस वीडियो का पूरा अंत जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी मिलती रहे और वो काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान में कि धान की फसल में सल्फर क्यों जरूरी है। तो पहले हम बात करते हैं कि सल्फर के लक्षण क्या होते हैं, सल्फर की कमी से क्या लक्षण होते हैं धान की फसल में, जिससे हम देख रहे की पहचान कर सके और हम सल्फर का प्रयोग करके उसका खात्मा कर सके। तो मैं आपको बता रहा जुमा किसान में कि जो धान की हमारी फसल होती है 20 से 25 दिन की जैसे की होती है, तो आपने देखा उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती है। कुछ तो यूरिया की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से भी होती है, लेकिन उनका लक्षण अलग होता है। यूरिया की कमी से जो लक्षण होता है, जो पीलापन होता है, वो नीचे की पत्तियों, जो निचली पत्तियां होती है वो पीली पड़ रही होती है। लेकिन अगर सल्फर की कमी, जो नई पत्तियां, जो नए कल्ले निकल रहे हैं, तो उनमें पीलापन देखने को मिलता है। तो ये लक्षण होता है किसान भाई सल्फर की कमी से। अगर आपके नए कल्ले की, जो नए कल्ले निकल रहे हैं, नई पत्तियां निकल रही है, वो अगर पीली पड़ रही है, ब्राउन कलर की हो रही है, तो आपकी आपके धान के फसल में सल्फर की कमी है, तो आपको सल्फर का प्रयोग करना है। अब बात कर रहे थे कि सल्फर का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो कौन सी खाद में करना चाहिए और कौन सी खाद में नहीं करना चाहिए। काफी हमारे किसान भाई इसमें भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 80% बाय WG फॉर्म की सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 4 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करना है। किसान भाई, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको 80% बाय WG फॉर्म में प्रयोग करें तो माफी चाहूंगा कि आपको 6 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करना है। अगर आप 90% WG फॉर्म वाली सल्फर का प्रयोग करें तो आपको 4 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करना है। काफी हमारे किसान भाई इस पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। लेकिन किसान भाई, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने, ये भी एक डाउट है कि हमें कौन सी खाद के साथ में सल्फर का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी खाद में नहीं करना चाहिए। अगर आपने SSP के साथ में धान की रोपाई करी है तो आपको सल्फर का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो आप 1 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करिएगा। लेकिन अगर आपने SSP के साथ में तो उसमें 11% ऑलरेडी सल्फर होती है। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे क्या होते हैं सल्फर के। किसान भाई, जैसे कि जो मैंने आपको डोज बताई, अगर आप इस डोज में दे देते तो जो हमारी धान की फसल होती है उसमें टेलरिंग होती है अच्छी तरीके से, और दूसरा जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है, प्रोटीन का निर्माण करने में काफी ज्यादा सहायता करती है सल्फर, और हरित लवक जो हमारे धान की फसल में होता है उसको बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायता करती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बनाने में काफी ज्यादा सहायता करती है, यानी कि जो क्लोरोफिल की मात्रा वो अधिक बनेगी, जिससे हमारे जो जड़ों का निर्माण अच्छे तरीके से होगा और हमारा जो धान पीला पड़ रहा था वो एकदम हरा भरा दिखाई देगा, और हमारा जो बाली जब निकल करके आएगी उसमें देखा होगा आपने पीले कलर का धब्बे टाइप हो जाते हैं धान में, तो धब्बे रहित आपका धान निकल करके आएगा, आपके धान में वजन भी काफी अच्छा बैठेगा। तो ये किसान में जो लक्षण है और जो फायदे हैं, उन फायदों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप सल्फर का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकेंगे। काफी हमारे किसान में सल्फर का प्रयोग सही तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान में गलती करते हैं, तो वही गलती सुधारने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ये मेरा खुद का तजुर्बा, मैं कई सालों से खेती कर रहा हूँ, तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो अपने धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।